तो जैसा कि आप भी जानती हैं कि बिग बॉस सीजन 16 में अब टॉप 5 में बन चुकी हैं प्रियंका चहर चौधरी, और वो एक उडारिया जैसे सीरियल की भी फेम रह चुकी हैं। बहुत ही ज्यादा फेमस उस सीरियल से वो भी हुई थी। तो मतलब उनकी जर्नी को लेकर आपका क्या कहना है? आप बिग बॉस फॉलो अप करती हैं? इनिशियल डेज में मैंने डेफिनेटली कुछ एपिसोड्स देखे हैं बिग बॉस के, पर बिकॉज ऑफ द रूटीन दैट वी फॉलो मैं बिग बॉस पूरी तरीके से नहीं देख पाती हूँ. पर बट फिर भी जितना क्लिप्स एंड बिट्स एंड पीसेस में मुझे दिखता है मैं उसको फॉलो करती रहती हूँ. सो आई यूज टू कीप वॉचिंग क्लिप्स फॉर अंकित एंड प्रियंका बिकॉज दे आर माई मॉम डैड ऑन स्क्रीन एंड फ्रेंड्स ऑफ स्क्रीन. तो आई जस्ट कीप वॉचिंग इट लाइक दैट. मैं आई एम सो सॉरी मैं बिग बॉस को फुल्ली तरीके से नहीं देख पाई, पर मैं ऐसे ही देखती आई हूँ एंड आई थिंक प्रियंका इज डूइंग अमेजिंग अमेजिंग. तो आपको क्या लगता है कि अगर बिग बॉस सीजन 16 में प्रियंका चहर चौधरी और बाकी के तीन कंटेस्टेंट्स, चार कंटेस्टेंट्स भी हैं, तो इन टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में क्या विनर बनने की क्वालिटी प्रियंका में है? क्या वो विनर बन सकती हैं या फिर कोई और कंटेस्टेंट? नहीं, आई बिलीव प्रियंका ने अपना एक इमेज फ्रॉम डे वन एपिसोड वन से शी हैज बिन ऑन टॉप टू लास्ट एपिसोड. आई थिंक शी विल बी ऑन टॉप. तो ऐसा कुछ उनका ग्राफ हमेशा ऐसे गया है, इट हैज नेवर बिन ऑन एंड ऑफ. कभी आई डोंट थिंक मैंने जितनी भी क्लिप्स देखी कहीं पे ये देखा हो कि प्रियंका की परफॉर्मेंस में उतनी पावर नहीं थी, ऐसा नहीं है. मैंने ऑलमोस्ट हर टास्क में सुना है कि प्रियंका ने सबसे ज्यादा इनपुट दिया है. आई थिंक शी ऑल्सो वॉन सम माई ग्लैम एंड जो भी कॉन्टेस्ट चलते आ रहे हैं. सो इफ शी इज डिजर्विंग, इफ शी इज विनिंग ऑल दिस, शी डिजर्व द फाइनल ट्रॉफी एज वेल. तो अगर आपको मौका मिले बिग बॉस सीजन 17 का हिस्सा या फिर आगे के किसी भी सीजन का हिस्सा बनने का अगर आपको मौका मिले, तो आप क्या डेफिनेटली बनना चाहेंगी या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब मैं खुद से भी पूछती रहती हूँ. सो इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है. डिपेंड करेगा तब टाइम एंड सिचुएशन एंड कंडीशंस को लेके. डेफिनेटली अगर सब सिचुएशन सही बैठी तो कौन मना करेगा.